हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का आरोग्य दीप यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। यहाँ हम स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खतरनाक बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर हम डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वीडियो को देखकर आप डेंगू से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही अपने कम्युनिटी में भी जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। यदि आप भी डेंगू से जुड़ी जानकारी चाहते हैं और इस समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर डेंगू के खिलाफ लड़ सके, स्वस्थ जीवन जी सके। चलिए जानते हैं डेंगू के बारे में। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है। इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, चीन, अफ्रीका, ताइवान, मेक्सिको शामिल है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NVBDCP के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अकेले भारत में ही डेंगू के 67,000 से भी ज़्यादा अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू का कारण क्या है? डेंगू क्यों होता है? एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। जब यह मच्छर व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के रक्त में डेंगू वायरस प्रवेश करता है और इसके 3 से 4 दिन बाद डेंगू के लक्षण दिखते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, जी मचलाना, उल्टी होना, त्वचा पर लाल निशान होना। गंभीर मामलों में डेंगू हेमोरेजिक फीवर में होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में रक्तवाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और प्लेटलेट्स गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में बाकी सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसे कि पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून आना, टॉयलेट में खून आना, सांस लेने में दिक्कत होना, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। डेंगू फीवर की डायग्नोसिस में कुछ टेस्ट का इस्तेमाल होता है जिससे ये बीमारी सही तरीके से डिटेक्ट हो सके और ट्रीटमेंट किया जा सके। डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, ये टेस्ट डेंगू वायरस के NS1 एंटीजन को खोजने के लिए किया जाता है जो बीमारी के अर्ली स्टेज में पता लगाने में मदद करता है। डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट, डेंगू के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। डेंगू इन्फेक्शन के बाद शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं और इस टेस्ट से ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को डेंगू इन्फेक्शन पहले भी हुआ है या नहीं। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। CBC टेस्ट से ब्लड में प्लेटलेट काउंट, रेड ब्लड काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स ये पता चलता है। डेंगू की ट्रीटमेंट और डेंगू से बचाव कैसे करें ये हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। तब तक आरोग्य दीप चैनल से जुड़े रहे। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उन सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।